Hello guys, this is Clutch God and you are watching Clutch God Gaming. So this is my first voiceover in this video in my YouTube channel. I hope you will like this video. This is just a tips and tricks video. If you like it, press the like button, comment below, and please share with your friends. And don't forget to subscribe. So without wasting any time, let's get started. So the first tip is always use the extreme FPS. FPS means frame rate per second. अगर आप frame rate FPS आपका extreme रहेगा तो आप easily किसी भी बंदे को knock कर सकते हो आपका easily कोई difference नहीं. आपको ज़रूरत नहीं कि आप अपना graphic किस mode में रखते हो. graphic ज़्यादा important matter नहीं करता है rather than FPS. FPS बहुत ज़्यादा important matter करता है in close combat fights और in long ranges. किसी भी fight में FPS बहुत ज़्यादा matter करता है. car space में FPS बहुत ज़्यादा matter करता है जब आप पूरा swipe करते हो. this one, this thing. कार स्पेस में बहुत ज़्यादा FPS मैटर करता है क्योंकि आपको एग्जैक्टली बनते जहाँ पे होते हैं. अगर कार वहाँ पे उस पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे आपको जाना है, आप उसके पहले से थोड़ा स्प्रे करोगे. बट अगर FPS आपका लो है तो आपका स्प्रे बिल्कुल गलत होगा. अगर आप उससे पहले भी आपका स्प्रे बिल्कुल गलत होगा, आपको एक्चुअल पोजीशन उस कार का पता ही नहीं होगा, तो आप फायर कैसे कर पाओगे, अब वो कैसे कर पाओगे, डाउन कैसे कर पाओगे एनिमीज को. सो FPS इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्लोज कॉम्बैट फाइट्स और इन लॉन्ग रेंज स्पाइस और इन कार स्वाइपिंग और कार स्पेस. सो सबसे बेसिक चीज़ है FPS, हाई FPS. ऑलवेज प्लेस ऑन हाई एक्सट्रीम FPS. ओके, सेकंड आपका आता है पीक एंड ओपन स्कोप. बेसिकली पीक एंड ओपन स्कोप एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है जो 2-3 फिंगर्स प्लेयर्स है उनके लिए. जो 2-3 फिंगर्स है उसके लिए ये पीक एंड ओपन स्कोप एंड ओपन स्कोप ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है एनेबल. मैं एक्चुअली इसे डिजेबल रखता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं 5 फिंगर प्लेयर हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता. मेरा इंडेक्स फिंगर 1 राइट इंडेक्स फिंगर का स्कोप में होता है एंड 1 थंब राइट थंब फिंगर इज ऑन द पिक. सो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं ये मोमेंट दे सकता हूँ. दिस थिंग चलो डिजेबल दिस मोमेंट ये मोमेंट 3 फिंगर प्लेयर्स या फिर उसके लो लेवल के फिंगर, आई मीन 3 फिंगर प्लेयर, 2 फिंगर प्लेयर, ये सब थंब प्लेयर्स ये सब नहीं दे सकते ये मोमेंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज डोंट कैरी एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोस. डोंट कैरी एवर नेवर. कभी भी आप किसी भी गन्स को चला रहे हो, आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एमो मत रखिए. उसके जगह आप रखिए फर्स्ट एड किट, हेल्थ किट, ड्रिंक्स, एनर्जी, ये सब पेन किलर, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, स्मोक्स, मॉली, दिस आर द यूटिलिटीज विच यू शुड कैरी एवरी टाइम. एमोस एक स्क्वाड को मारने के लिए एक एम का, अगर आप परफेक्टली आपका एमिंग है, अगर आपका एमिंग बहुत ही अच्छा है तो आपको एक एम का एक राउंड में, आई मीन 30 बोल रहा हूँ, 30 में आप 3 बंदे को नॉक कर सकते हो. अगर आपका एमिंग एकदम अच्छा है, आपको एमिंग मन आपका हेड लेवल पर अगर शूट करते हो तो 30 बुलेट्स में आप एक गन से 3 एनमी डाउन कर सकते हो, नॉट अ रेयर प्रॉब्लम. बट अगर आपका एमिंग इतना फास्ट, इतना एक्यूरेट नहीं है तो मैं सर्च करूँगा कि आप थोड़ी ज़्यादा एमोस रखो, बट नॉट एटलीस्ट 130 इज मच मोर एनफ. और अगर ए के एम के साथ अगर डिप यूज़ कर रहे हो तो 200, दैट्स इट. उससे ज़्यादा एमो की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती. एक क्लोज कॉम्बैट फाइट होगा, जितनी एमो आप वेस्ट करते हो एनिमी में, आप स्पॉट डाउन करोगे, एमोस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सो मैं सर्च करूँगा कि आप एक्सेस एमो मत रखो. And the next point is don't pick in front of enemies which are using bolt action rifles. Means bolt action means Kar 98, M24 and OMP. आपको पता ही होगा ये सब चीज़. बेसिकली हमें उस जगह पिक करना नहीं है जहाँ पे वो बंदा पहले से पिक किया हुआ है. सजेस्ट वहाँ पे एनिमी है वो बोल्ट एक्शन साइफर 8x लगा के Kar 98 या OMP लेके हमें पहले से स्कोपिंग किया हुआ है, तो मैं दोबारा उसको स्कोपिंग नहीं करूँगा उस पोजिशन से जिस पोजिशन से उसने मेरे को देख चुका है. सजेस्ट मैं यहाँ पे हूँ और उसको मेरे का पोजिशन पता है, तो मैं यहाँ से पिक ओपन नहीं करूँगा. क्योंकि मैं अगर ओपन करूँगा वॉट ऑफ उसको पता है मैं यहाँ पे हूँ, तो वो पहले से ही स्कोपिंग करके बैठा होगा. मैं जैसे यहाँ पे ओपन किया वो मेरे को हेडशॉट दे दिया ऑन द स्पॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो बेसिकली आपको करना क्या, आप ये कर सकते हो, ये दिस थिंग
ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जस्ट जस्ट लाइक दिस स्प्रे, ये आपको नहीं करना है। अगर आप 2 सेकंड या 1 सेकंड आप होल्ड करते हो, आपको मिली सेकंड में आपको उसको स्प्रे देना पड़ेगा। अगर आप 1 सेकंड भी होल्ड करते हो तो वो आपको ऑन द स्पॉट हेडशॉट दे देगा। सो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना है। अगर वो उसके पास बोल्ट एक्शन है तो अगर आपका एक्यूरेसी इतना नहीं है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप उस जगह से पिक मत कीजिए। आप बेस्ट है कि आप अपना पोजीशन चेंज किए या फिर सीधा क्लोज कॉम्बैट फाइट कीजिए उस बंदे से। अगर आपके पास बोल्ट एक्शन नहीं है तो मैं प्रीफर करूँगा क्लोज कॉम्बैट फाइट कीजिए या फिर पोजीशन चेंज कीजिए। इस पोजीशन चेंज किया, फायर किया, भाग गया, यूज प्रॉपर हेडफोन्स। आपके पास एक गुड क्वालिटी का हेडफोन्स होना ही चाहिए। जैसे कि पबजी में हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पबजी में साउंड सेंस आपका अराउंड 50% काम करता है। साउंड सेंस के बेसिस पे भी आप क्लोज कॉम्बैट फाइट ले सकते हैं। अगर किसी अपार्टमेंट में आप फाइट कर रहे हो या फाइट करने जा रहे हो तो आपको साउंड सेंस का पता चला कि बंदा कौन से वाले स्टेयर्स पे है, कौन से वाले फ्लोर पे है या फिर टेरेस पे है, या फिर अगर अपार्टमेंट सॉरी स्क्वाडर्स में फाइट करने जा रहे हो तो कौन से वाले पे पैनिक रूम में है बंदा या मिडिल रूम में है या फिर क्या बोलते हैं बरामदा में है, किस में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और आपको ये जो साउंड सेंस है उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साउंड सेंस एक्चुअली आपको याद करना पड़ेगा। हाँ जी, सुन के मेमोराइज, आपको मेमोराइज होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ का साउंड सेंस हो। साउंड सेंस पे ही पबजी का आधा गेम प्ले टिका हुआ है। अगर सोचो आप क्लोज कॉम्बैट फाइट कर रहे हो और सडनली बंदा आपने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया और वो अपना हेल्थ किट मारा था, उसका हेल्थ बहुत कम गया, आपने हेल्थ किट मारा, जैसे आपने हेल्थ किट पे साउंड सुना, आप विन आउट एनी डिले आप जस्ट उस पर जाके शूट करोगे फ्री फायरिंग। ऐसे क्लोज कॉम्बैट जंप शूट प्रोन, अगर बंदा यहाँ पे है आप जस्ट उसको फ्री फायर दिया, फ्री फायर में उसको थोड़ा सा हेल्थ डैमेज हुआ, आप भी पीछे आ गए और आपने जस्ट सुना कि वो हेल्थ किट के ड्रिंक कुछ मार रहा है, तो आप जस्ट जाओगे जंप एंड प्रोन शूट। दिस थिंग आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो साउंड सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है पबजी में। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज कार एज ए कवर इन ओपन। अगर सोचो आप कार से जा रहे हो, आपको स्प्रे बंदा से जस्ट लाइक दिस, ये कोई बंदा ओपन में आपको स्प्रे कर रहा है, आपका गाड़ी ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो चुका है, तो बेसिकली आप लेट जाओ और अपनी टायर्स फोड़ दो, दोनों टायर गाड़ी के। क्यों ऐसा क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्स के नीचे एक थोड़ा स्पेस बचता है नीचे से हल्का सा, ये दिस साइड, अगर आप टायर नहीं फोड़ते हो तो कुछ स्पेस बचता है और उस स्पेस से एक अच्छा एंगल बनता है जिसके थ्रू बंदा आपको इजीली मार सकता है। अगर बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स है उसके पास और 8x है या 6x कोई भी अच्छा स्कोप है तो वो इजीली आपको मार सकता है। रेड डॉट से भी अगर उसका एमिंग अच्छा है तो वो रेड डॉट से भी आपको क्लियर कर सकता है। अगर उसके पास M4 वगैरह है जो कि रिकॉइल बहुत कम करता है तो इजीली आपको डाउन कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इससे बेस्ट है कि आप दोनों टायर फोड़ दो और गाड़ी के पीछे आ जाओ ऐसे, और कोई बंदा अगर डश करता है तो शूट लाइक दिस, और जैसे गाड़ी फूटने लगे आपको आप इसको फोड़ दो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाओ और गाड़ी को फोड़ दो, गाड़ी को फोड़ जस्ट लेट दो उसके सामने, और ये एक अच्छा कवर बन जाता है वक्त। अब जस्ट बंदे को पास लेट दो, ओप्स गाड़ी का सॉरी। सो दिस थिंग ये बोल रहा था कि आप ओपन में गाड़ी का अच्छा कवर यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज यूज स्मोक्स। स्मोक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करता है इस पबजी में। आप चाहे कुछ ड्रॉप रूट करो या फिर किसी एनिमी को डाउन करो या फिर कुछ फेक रिएक्शन मूवमेंट दो, स्मोक्स बहुत ज़्यादा काम आता है। स्मोक्स आपको फेक, अगर आप सोचो बंदा वहाँ पे है और मैं यहाँ पे मैं लेटा हूँ, बंदे को मेरे पोजीशन नहीं पता, मैंने इधर स्मोक कर दिया दिस थिंग, तो बंदे को लगेगा शायद मैं उधर हूँ और मैं यहाँ से फ्लैंक करके दूसरी तरफ शायद जोन में जा सकता हूँ या फिर एनिमी को यहाँ से डाउन कर सकता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे कवर वगैरह मिल जाए। तो बेसिकली स्मोक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आपको बंदा ओपन में नॉक हो गया है तो कभी भी याद रखना आप ओपन में उनको रिवाइव नहीं दो, क्योंकि आप इजली डाउन सकते हो, एक ही स्प्रे में इजली डाउन हो सकते हो कुछ ही बुलेट्स में, चाहे कोई भी एआर हो इजली डाउन सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको उसको रिवाइव देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्मोक करो या फिर उसके आगे कोई कवर बनाने की कोशिश करो, एक ब्लॉक करो उसका साइड एनमी का। अगर एनमी का साइड ब्लॉक हो गया वो जस्ट रैंडम स्प्रे करेगा, अगर रैंडम स्प्रे करेगा मोस्ट प्रोबेबली 50% चांसेस का लगेगा कि नहीं लगेगा। सो आपको अब सीधा ओपन में नहीं जाके अपने बंदे के पास स्मोक करना है ताकि वो स्मोक में आके स्मोक के पीछे ये स्मोक में आके खुद को रिवाइव कर ले, आप उस जाके रिवाइव कर लो और वो बच जाए।
किसी भी हालत में ओपन में आप उसको जाके स्मोक में विदाउट, अगर स्मोक नहीं किया तो ओपन में जाके आप उसे रिवाइव मत कीजिएगा, ऐसे ही आपका ही डिमेरिट होगा, आपको बंदा इजीली नॉक कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज स्मोक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी सेटिंग्स। सेंसिटिविटी सेटिंग्स लोग बोलते हैं इसी सेंसिटिविटी कॉपी कर लेंगे, उसी सेंसिटिविटी कॉपी, सेंसिटिविटी कॉपी करने से कुछ नहीं होता, सेंसिटिविटी कॉपी करने से कुछ भी नहीं होगा ब्रो। सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बट अगर आप किसी दूसरे की सेंसिटिविटी कॉपी करते हो तो उस सेंसिटिविटी पे आपका 30-40% ऐसा चांसेस होगा कि वो मैच कर जाए, क्योंकि हर किसी का मतलब उस पर सेंसिटिविटी पर ढालना भी पड़ता है अपने आप को, और हर एक फ़ोन का सेंसिटिविटी अलग होता है सिग्नल के पर्टिकुलर को। अगर सेम डिवाइस है तो जाके शायद मैच कर जाए, लेकिन बेसिकली अलग होता है हर एक फ़ोन का। और आईफोन और एंड्रॉइड में तो जमीनात्मक का फर्क है सेंसिटिविटी। कोई अगर बंदा अगर आईफोन को चैलेंज पे था आईफोन में खेल रहा है तो आप उसे सेंसिटिविटी कॉपी कर लोगे, बोलोगे मेरे पास अच्छा सेंसिटिविटी है, मैं इसलिए अच्छा परफॉर्म करूँगा, ऐसा कोई नहीं होता बिल्कुल भी, भूल जाओ। सेंसिटिविटी सेटिंग्स अपना आपको खुद बनाना पड़ेगा, किसी का कॉपी देख के आप नहीं कर सकते। अगर आपको सेंसिटिविटी सेटिंग्स का कुछ वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो, बहुत सारे वीडियो है, लेकिन आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है और रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलेगा तो मैं एक सेंसिटिविटी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। जॉर्ज क्लूनी आपने देखा होगा कि कंट्री से बंदे उतरते हैं तो वो जस्ट उतरेंगे और पूरी अगर किसी गन पे वो लैंड करते हैं तो गन की सारी एमो जितनी भी 30 अंदर जो गन पे पहले से होती है और 60 बाहर, उस दोनों को कलेक्ट करने के बाद वो फायरिंग स्टार्ट करें। बट ऐसा नहीं करना है, जब बहुत सारे एनिमीज आते हैं तो आपको जस्ट करना क्या है, गन कलेक्ट करना है और जस्ट या तो फिर क्राउच शूट या फिर सीधा प्रोन हो जाना है और एनिमी को शूट कर देना है, इस में चाहे गन मिला हो या नहीं मिला हो एनिमी को आपको जो शूट करना है, और प्रोबेबिलिटी आपका थोड़ा बढ़ जाता है उस टाइम, क्योंकि आप क्राउच या प्रोन हो जाते हो तो आपका डिग्री ऑफ एंगल एनिमी के थ्रू, अगर एनिमी देखता है आपको डिग्री ऑफ एंगल तो कम हो जाता है मारने का, तो आप उसे इजीली मार सकते हो, इसे टेक डाउन कर सकते हो। अगर आप प्रोन हो जाते हो कंटेनर्स के नीचे, सॉरी कंटेनर्स के ऊपर, ऐसा प्रोन होकर एक स्प्रे देते हो ऐसा स्प्रे, और रैंडम स्प्रे में वो आ जाएगा, इजीली वो नॉक हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करो कि जैसे ही आप लैंड करो किसी भी गन पे ऑन द स्पॉट प्रोन हो जाओ, प्रोन हो जाके किसी एक बंदे को डाउन कर फटाक से नेक्स्ट एमओ उठा के कंटेनर से भी नीचे आ जाओ, तो उस पर क्या एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ऑन द स्पॉट उस स्क्वाड पे, और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप हो गया तो गेम आपके हाथ में। मेन है प्रेशर, अगर कोई बंदा प्रेशर हैंडल कर रहता है किसी भी क्लोज कॉम्बैट फाइट में, क्लोज एनकाउंटर में, तो ही इज द रियल वन हु कैन हैंडल एनी फाइट। आपको जस्ट पैनिक नहीं होना है, पैनिक कोई भी अगर स्पॉट पैनिक हो गया तो उसको आप इजली टेक डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैनिक इज द वर्स्ट थिंग इन पबजी मोबाइल, पैनिक आपको नहीं होना, किसी भी हालत में आपको पैनिक नहीं होना, आपको हमेशा काम माइंडेड में, माइंड में आपको फाइट, आपको दिमाग में ठंड रख के आपको करना है। आपको ठंडे दिमाग से सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।